हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ एलिप्स हाफ बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड अदर हाफ बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm हाफ बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड अदर हाफ बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो एलिप्स ड्रॉ करना है उसका मेजर एक्सिस यहां दिया है 100 mm और माइनर एक्सिस यहां दिया है 50 mm। और एलिप्स कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो भी यहां लिखा है। एलिप्स जो है वो दो मेथड से हमें ड्रॉ करना है, एक है ऑब्लॉन्ग मेथड यानी ही रेक्टेंगुलर मेथड, और दूसरा है बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो चलो हम ये सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, एलिप्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, इनके ऊपर सेपरेट नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसके पहले की सभी मेथड्स आपको पता चल जाएंगी, लेकिन यहां की अगर बात करें तो यहां पे दो मेथड को मिक्स करके हमें इलिप्स ड्रॉ करना है। तो चलो वो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। मेजर एक्सिस दिया है 100 mm का, तो ये हमने 100 mm इट मीन्स 10 cm का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसको हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज ए बी। ये हो गया मेजर एक्सिस ए बी। और अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो चलो यहाँ पे माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये लाइन का हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये मेजर एक्सिस का सेंटर, ये 100 mm का लाइन है, तो बीच में जो है यहाँ पे 50 mm पे हम ये एक पॉइंट ले लेंगे। और यहां पे अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। और ये प्रोटेक्टर जो है वो आपको यहां सेंटर पे इस तरह से सेट करना है और 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिए और ये एंगल पे आपको माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। 50 mm दिया है, तो क्या करेंगे, यहां से 25 mm ऊपर लेंगे, 25 mm नीचे लेंगे, ताकि टोटल वो 50 mm हो जाए। तो ये देखिए, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं माइनर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस को नेमिंग दे देंगे, दैट इज सी डी, ठीक है। ये देखिए, ये माइनर एक्सिस बना लिए है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, इट मींस ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट। और अब ये माइनर एक्सिस को हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज माइनर एक्सिस सी डी, ठीक है। तो ये हमने माइनर एक्सिस यहां बना लिए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस है 100 mm का और माइनर एक्सिस है 50 mm का। और अब हमें इसका यूज करके एलिप्स ड्रॉ करना है, लेकिन एलिप्स ड्रॉ करने के लिए जैसा क्वेश्चन में लिखा था, हमें यहां पे दो मेथड का यूज करना है। पहला है ऑब्लॉन्ग मेथड, इट मींस रेक्टेंगुलर मेथड, और दूसरा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर का जो पार्ट है, इट मींस जो ऊपर के साइड का एलिप्स है, वो हम ड्रॉ करेंगे बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, इट मींस बाय रेक्टेंगुलर मेथड, और जो नीचे का एलिप्स है वो हम ड्रॉ करेंगे बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। आपको ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, नीचे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। जरूरी नहीं है कि हमने अगर ऊपर ऑब्लॉन्ग मेथड से बनाया है तो आप भी ऑब्लॉन्ग मेथड से बनाएं। आप चाहे तो ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिप्स जो है वो फाइनल एक ही बनता है, ठीक है। तो चलो हम यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने कहा कि ऊपर हमें ऑब्लॉन्ग मेथड, इट मींस रेक्टेंगुलर मेथड यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। और ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए अब आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है। फिलहाल हमारे पास ये एक स्केल है, हम ये स्केल से ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। आप रोलर स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको जो है स्केल ऐसा मेजर एक्सिस को पैरेलल ऐसा सेट कर लेना है, और फिर एग्जैक्टली पैरेलल इसको ये सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए, मेजर एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल टू मेजर एक्सिस यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। और यहां पे हमें ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए इस तरह से, ये देखिए, ये हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि यहां पे रेक्टेंगल बन जाए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मेथड है, तो रेक्टेंगुलर मेथड में रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है। तो ये देखिए, हमने क्या किया, मेजर एक्सिस ए बी को एग्जैक्टली पैरेलल सी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए। और अब क्या करेंगे, ये ए और बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए माइनर एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल ऐसा आपको स्केल सेट करना है। देखो, माइनर एक्सिस को पैरेलल, अब आपको ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब आपको बी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ताकि ऊपर जो है वो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाए। तो ये देखिए, ऊपर में फाइनली रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। और अब यहां पे ऊपर में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऊपर में अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो यहां पे समझ लो, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पे ऊपर में जो हमें पॉइंट मिला है, ये देखिए ए बी सी डी, तो ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ई, आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सेंटर है ये सेंटर को हम पॉइंट दे देंगे पॉइंट ओ, जहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट हुए है, ठीक है। और अब हमें ऊपर कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, ऊपर अब क्या करेंगे, ये एओ और ये एई को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, एओ और एई को। तो एओ का लेंथ क्या है, एओ का लेंथ है 50 mm, क्योंकि टोटल एबी जो है वो था 100 mm, तो हाफ उसका एओ 50 mm है। और ये जो हाइट है एई, तो ये हाइट का, ये एई का लेंथ क्या है, तो ये है दैट इज 25 mm, इट मीन 2.5 cm, क्योंकि टोटल था 50 mm, तो 50 का हाफ जो है ऊपर का ये 25 mm है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये रूल है, जितने पार्ट में आप एओ को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में आपको एई को भी डिवाइड करना है। अगर आपको इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये एओ को हम यहां पे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड करना काफी आसान है, ये 50 mm है, तो आपको स्केल यहां पे रख के 10 mm के, दैट इज इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स ले लेना है। तो ये हम यहां ले लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखिए इस तरह से। और ये जो एई है ये 25 mm है, तो 5 5 mm के यहां पे आपको 5 पार्ट्स ले लेना है, ठीक है, 5 mm के, ये देखिए इस तरह से, ये हमने यहां पे ले लिए हैं। फाइनली हमने एओ और ये एई दोनों को हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहे तो ये ओबी और ये आप ये यहां पे भी एक पॉइंट को नेमिंग हम दे देंगे, तो वो जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट को हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज पॉइंट आर, ठीक है। ओबी और बी आर को आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपने इधर डिवाइड किए बिल्कुल वैसा ही डिवीजन आप उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इधर के पॉइंट्स डायरेक्टली उधर शिफ्ट करके भी एलिप्स के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहां पे एक काम करेंगे, ये साइड में तो डिवाइड हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सी से ये यहां पे ये पार्ट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन ये पार्ट्स को अभी तक हमने नेमिंग नहीं दिया है, तो चलो इसको नेमिंग दे देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, उसी तरह से यहां पे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ और वो फिफ्थ, इस तरह से हमने नेमिंग दे दिया है। और अब जैसा हमने कहा हमें ये सी से अब ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, देखो ये सी से 1, सी से 2, सी से 3, सी से 4, इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो ये हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं, और ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको फेंट पेंसिल का यूज करना है, आपको ये फेंट लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये देखिए जैसा हमने कहा हमने ये C1, C2, C3, C4 यहां पे फेंट लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लिया है। और अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे का D पॉइंट है, D से 1 ज्वाइन करके उसको आगे एक्सटेंड करना है। देखो यहां पे हम आपको ये ड्रॉ करके बताते हैं, D से 1 ज्वाइन करके उसको आगे एक्सटेंड करना है जब तक वो C1 को क्रॉस ना करे। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया, D से 1 ज्वाइन करके हमने उसको एक्सटेंड किए, C1 को यहां पे क्रॉस कर रहा है। उसी तरह से अब D से 2 ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये देखिए D से 2 हम ज्वाइन करके उसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको तब तक एक्सटेंड करो जब तक वो C2 को ज्वाइन ना जब तक वो C2 को क्रॉस ना करे। ये देखो हमने D2 को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड किए और ये C2 को यहां पे क्रॉस कर रहा है। इसी तरह से आप D3 को ज्वाइन करके एक्सटेंड करो और D4 को भी ज्वाइन करके एक्सटेंड करो। तो ये हमने D से 3 ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड किए और वो C3 को यहां पे क्रॉस कर रहा है, और D से 4 ज्वाइन करके एक्सटेंड किए वो C4 को यहां पे क्रॉस कर रहा है। इससे क्या हुआ, इससे आपको यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। कैसे, तो ये देखिए ये C1 और ये D1 दोनों यहां पे क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट को मार्क करो। देन ये C2 और ये D2 दोनों यहां पे क्रॉस कर रहा है, इसको मार्क करेंगे। C3 और D3 दोनों यहां पे क्रॉस कर रहा है, और C4 और D4 दोनों यहां पे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए एलिप्स ड्रॉ करने के लिए फिलहाल ये रेक्टेंगल में देखो, ये जो रेक्टेंगल है इसमें हमें ये 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का कंस्ट्रक्शन अब हम ये साइड में भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन, जैसा हमने यहां पे इसको 5 5 पार्ट्स में डिवाइड किए, बिल्कुल ऐसा ही हम इधर भी 5 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और इधर भी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और डी से भी आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था हमने यहां पे राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन किया है जैसा हमने यहां लेफ्ट हैंड साइड में किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम है, नेमिंग वगैरह भी हमने सेम दिया है। इससे क्या होगा, इससे हमें यहां पे हाफ इलिप्स ड्रॉ करने के लिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स यहां पे मिल चुके हैं। देखो यहां पे अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे और ये सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा इलिप्स जो है यहां पे देखो हाफ इलिप्स जो है वो मिल जाएगा। ये हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे, अभी जस्ट हमने आपको यहां रफ में बताया है ये। तो चलो अब
ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया, इट मीन्स रेक्टेंगुलर मेथड, इट मीन्स ऑब्लॉन्ग मेथड का जो है पूरा कंस्ट्रक्शन यहां पे हो चुका है। उसके थ्रू हम हाफ इलिप्स यहां पे ड्रॉ कर लेंगे लास्ट में सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स के थ्रू। लेकिन ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें रिमेनिंग यहां पे जो हाफ इलिप्स है वो हमें ड्रॉ करना है। इट मीन्स ऐसा नीचे का जो हाफ इलिप्स आएगा वो अब हमें ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यहां पर यूज करना है। तो चलो नीचे में हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का यहां यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको कंपास का यूज करना पड़ेगा, तो ये हमने कंपास ले लिया है और अब कंपास का यूज करके यहां पे हम सर्कल्स ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन आपको कंप्लीट सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेमी सर्कल ही ड्रॉ करना है क्योंकि सिर्फ हम हाफ साइड में यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए। तो कंपास का यूज कैसे करना, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस कंपास में ले लेना है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस, मेजर एक्सिस 100 mm का था तो उसका हाफ डिस्टेंस होगा 50 mm, तो ये हमने 50 mm कंपास में लेंथ ले लिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंपास का सेंटर ये O पॉइंट पे रखेंगे और ये A से B की तरफ यहां पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने कंपास का सेंटर O पॉइंट पे रखे और ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सेमी सर्कल आपको यहां पे फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमने मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस कंपास में लेके यहां पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और अब माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस आपको कंपास में ले लेना है। तो देखो माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस, माइनर एक्सिस है 50 mm का, तो उसका हाफ डिस्टेंस इसका मतलब 25 mm, ये हमने कंपास में ले लिया है। और अब ये 25 mm का लेंथ कंपास में लेने के बाद कंपास का सेंटर आपको फिर से O पॉइंट पे रखना है, इट मीन सेंटर पे, और यहां पे अब आपको माइनर एक्सिस का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हमने माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस कंपास में लेके यहां पे एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहां पे आपको दो सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, एक मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस का यूज करके बनाया और दूसरा माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस हमने यूज करके बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों सेमी सर्कल्स को हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, ये दोनों सेमी सर्कल्स को हम 6-6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो कंप्लीट सर्कल अगर है तो 12 पार्ट में डिवाइड करना होता है, और अगर सेमी सर्कल है हाफ है तो आपको इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनर एक्सिस का जो लाइन है जो डी पॉइंट तक आया है उसको हम थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि जो बड़ा सेमी सर्कल है वो यहां पे डिवाइड हो जाए। देखो ये हमने यहां तक एक्सटेंड कर लिया है। तो ये सेमी सर्कल को 6-6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज करो, आप चाहे तो कंपास का यूज करो, दोनों के थ्रू आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है तो प्रोटेक्टर का यूज कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। प्रोटेक्टर आपको इस तरह से उल्टा रखना है, ठीक है, प्रोटेक्टर आपको इस तरह से उल्टा रखना है सेंटर पे, और आपको 30, 60, 90, 120, 150 इस तरह के आपको एंगल्स लेना है। आपने प्रोटेक्टर ऐसा रखना है, 30 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है, ऐसा नीचे 30, यहां पे एक लाइन बनेगा, देन 60 डिग्री का एंगल लेना है, यहां पे एक लाइन बनेगा, देन 90 डिग्री लाइन पे ऑलरेडी लाइन है, देन 120 पे एक लाइन बनेगा और 150 पे एक और लाइन बनेगा। इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा 30-30 का एंगल यूज करके, या फिर आप इसको कंपास का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कंपास का यूज करना है, चलो हम एक काम करते हैं, यहां कंपास का यूज करके आपको डिवाइड करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा जो सेमी सर्कल है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो बड़े सेमी सर्कल को डिवाइड करने के लिए ये जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका रेडियस हम यहां पे कंपास में ले लेंगे। देखो ये हमने रेडियस जो है ये हमने कंपास में ले लिए, AO जो कि 50 mm है, ये हमने AO का लेंथ ये हमने 50 mm कंपास में ले लिए। अब आपको क्या करना है, कंपास का सेंटर यहां A पॉइंट पे रखना है और इधर ये जो सेमी सर्कल है इसके ऊपर कट करना है। तो ये हमने ये देखिए कंपास का सेंटर A पॉइंट पे रखे और इधर हमने कट कर दिए, ठीक है। अब आपको कंपास का सेंटर यहां नीचे रखना है, ठीक है, और इधर कट करना है, ठीक है। कंपास का सेंटर यहां नीचे रख दिए और ये देखिए ये लेफ्ट साइड में कट किए और कंपास का सेंटर ये नीचे रख के राइट साइड में कट करेंगे, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर यहां बी पॉइंट पे रखना है और इधर कट करना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर बी पॉइंट पे रखे, जस्ट अ मिनट, और ये हम यहां कट कर देंगे। ये देखिए ये कट हो चुका है। इस तरह से ये बड़ा सेमी सर्कल 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। बिल्कुल इसी तरह से अब ये छोटा सेमी सर्कल भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके लिए जो छोटा सेमी सर्कल है उसका रेडियस आप कंपास में ले लेंगे, ठीक है। छोटे सेमी सर्कल का रेडियस है 25 mm का, ठीक है, तो ये हमने कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया है और अब कंपास का जो सेंटर है ये सेमी सर्कल के ये एंड पे पहले रखना है, ठीक है, और ये इधर हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमने यहां कट कर दिए। अब कंपास का सेंटर यहां नीचे डी पॉइंट पे रखना है और ये सेमी सर्कल पे राइट और लेफ्ट साइड में कट करना है। तो ये हमने कट कर देंगे, ये देखिए, और अब कंपास का सेंटर आपको सेमी सर्कल के ये एंड पे रखना है और
इधर के साइड में आपको नीचे में कट करना है। ये देखिए इस तरह से ये सेमी सर्कल जो है छोटा वाला ये भी डिवाइड हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से फाइनली दोनों सेमी सर्कल्स को हमने डिवाइड कर लिया है। और अब इसके बाद का वर्क देखिए, इसके बाद का वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके थ्रू हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्केल और फेंड पेंसिल का यूज करना है। अभी तक ये जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको फेंड पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब स्केल और आपको फेंड पेंसिल ले लेना है। और अब क्या करेंगे देखिए, यहां पर फर्स्ट पार्ट, ये देखिए बड़े सेमी सर्कल का फर्स्ट पार्ट और छोटे सेमी सर्कल का फर्स्ट पार्ट, इसके तरफ आप ध्यान दो। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके फर्स्ट पार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये माइनर एक्सिस को हम ऐसा वर्टिकल सेट कर लेंगे और ये बड़े सेमी सर्कल के फर्स्ट पार्ट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटे सेमी सर्कल के फर्स्ट पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों एक जगह क्रॉस हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों यहां पे क्रॉस हो गई। उसके बाद बड़े सेमी सर्कल का ये सेकंड पार्ट, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटे सेमी सर्कल का ये सेकंड पार्ट, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए और अब छोटे सेमी सर्कल का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिए, इससे हमें सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। और अब हमने इधर के ये दोनों पार्ट्स के साथ जो किए, इधर के पार्ट्स के साथ भी हमें वही करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वर्क है। तो चलो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक वर्टिकल लाइन और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हमने किए और ये जो राइट हैंड साइड में जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी हम ये कर लेते हैं। ये देखिए एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का ये टेक्निक रहता है ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए इससे हमें फाइनली सभी टाइप के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स अब हमें मिल चुके हैं। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड जो है नीचे कंप्लीट हो चुका है, हमें एलिप्स ड्रॉ करने के लिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ये सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट, फिर ये डी से जाएगा और फिर ये नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट, फिर ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट और फिर ये बी से जाएगा। ये देखिए फाइनली हमने दोनों मेथड्स यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, दोनों मेथड के थ्रू हमें सभी टाइप के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमने ऊपर रेक्टेंगुलर मेथड का यूज किया है, इट मीन्स ऑब्लॉन्ग मेथड का यूज किया है, उससे हमें इधर के पॉइंट्स मिल चुके हैं और हमने नीचे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड का यूज किया है, तो हमें ये कुछ पॉइंट्स मिले हैं। और अब ये सभी को ज्वाइन करने की बारी है और अब ये सभी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करो या तो फ्रेंच कर्व का यूज करो। अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, हमारी सलाह यही है कि आप फ्रेंच कर्व का यूज करो, लेकिन इतना बड़ा फ्रेंच कर्व अभी हमारे पास नहीं है तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और ये एक हमें इलिप्स मिला है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। तो फाइनली ये इलिप्स बन के तैयार हुआ है, हाफ बाय ऑब्लॉन्ग मेथड एंड अदर हाफ बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देखना चाहिए। ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है और ये जो इलिप्स है ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो रिमेनिंग वर्क आपको जो यहां पे दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में है वो आपको फेंड पेंसिल से ड्रॉ करना है। और ये जो इलिप्स है इसके ऊपर अब आप चाहे तो टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन अ इलिप्स उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इलिप्स पे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और जैसा हमने कहा था ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।